नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो के F11 प्रो की। हालांकि आपने 3 या 4 दिन पहले इसकी अनबॉक्सिंग और किसी के चैनल में देख ली होगी, पर मुझे आज टाइम मिला है इसकी अनबॉक्सिंग करने का, क्योंकि पिछले हफ्ते मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया ओप्पो के F11 प्रो की। इसलिए आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस वीडियो में और आपको बताने वाले हैं इसकी फुल रिव्यू, डिटेल और स्पेसिफिकेशन के बारे में। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ नीचे रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं ओप्पो का F11 प्रो का बॉक्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, जो कि जहाँ पर आप बाहर लिखा होता है ओप्पो का F11 प्रो, और साथ ही साथ जो कि हमारे पास वेरिएंट है और 6 GB रैम प्लस 54 GB इंटरनल के स्टोरेज ये वेरिएंट आया है और जो कि हमारे पास भी है, और सबकी तरह में ओप्पो ही नज़र देखने को मिलता है। और इसके कलर की बात करें जो कि हमारे पास कलर है, वो हमारे पास ग्रीन कलर है, 2 शेड में कलर आता है, यह ग्रीन कलर है। ये 6 GB रैम प्लस 54 GB इंटरनल के स्टोरेज के साथ ये वाला फ़ोन हमारे पास है, और इसमें आपको पावर चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 48 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, 16.5 cm का आपको स्क्रीन देखने को मिल जाता है, ये कुछ आपको देखने को मिल जाता है। इस बॉक्स को अभी ओपन करते हैं, ओपन करके आपको इसका फर्स्ट लुक दिखाते हैं ओप्पो का F11 प्रो का। इस बॉक्स को ओपन करते ही आपको एक सिम टूल देखने को मिल जाता है, और आपको एक केस देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको मैनुअल्स देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको क्विक गाइड भी देखने को मिल जाती है। इसको भी रखते हैं साइड में और चलते हैं अपने फ़ोन को बाहर निकालते हैं। जैसा कि ये फ़ोन को बाहर निकालते ही आपको पीछे की तरफ डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, और इसमें आप डुअल सिम लगा सकते हैं और साथ में एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बस इसमें आपको ये देखने को मिलता है। इसको भी फ़ोन को भी रखते हैं साइड में और चलते हैं अपने बॉक्स कंटेंट की तरफ, और आपको इसमें और क्या देखने को मिल जाता है। इसमें आपको अडैप्टर देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको USB टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, जो कि ग्रीन कलर में है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और इसमें आपको एयरफोन देखने को मिल जाते हैं, जो कि 3.5 mm के ऑडियो जैक के साथ ये एयरफोन आते हैं, और जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये एप्पल की कॉपी की तरह ये एयरफोन है। हम इसको भी रखते हैं साइड में। जैसा कि आप देख ही सकते हैं ओप्पो के F11 प्रो के बॉक्स के अंदर ये कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इंडिया में परचेस करते हैं तो इसको आपको ये कॉन्टैक्ट देखने को मिल जाता है। चलिए इस फ़ोन को बूट करते हैं और इसका आपको फर्स्ट इंप्रेशन इस वीडियो में दिखाते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं इसमें आपको कंप्लीट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, आपको कहीं भी कैमरा देखने को नहीं मिलता, फुल कंप्लीट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी ओप्पो की। और इसमें अभी आपको ये बताते हैं इसमें आपको कैमरा कहां पर देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं सेल्फी कैमरा आपको पॉपअप कैमरा के साथ सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि ऊपर की तरफ आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको बंद करते हो और अपने यहाँ भी कैमरा अंदर हो जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी है ओप्पो के F11 प्रो में। और साथ ही साथ इसमें आपको 6.5 inches की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओप्पो के F11 प्रो की डिस्प्ले मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, जो कि कंप्लीट डिस्प्ले है, आपको आगे की तरफ कोई भी कैमरा देखने को नहीं मिल जाता और पॉपअप कैमरा आपको देखने को मिलता है। और पीछे की बात करें पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको ओप्पो की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है पीछे की तरफ। अब इसके प्रोसेसर की बात करें इसमें आपको MediaTek LOP P70 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड आपको पाई का वर्जन देखने को मिल जाता है, और कलर O6 प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें आपको स्टोरेज मिलती है और आपको 6 GB रैम प्लस 54 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आपको देखने को मिलता है। हालांकि प्रोसेसर की बात करें प्रोसेसर थोड़ा सा हाई लेवल का प्रोसेसर हो सकता था, जो कि MediaTek LOP P70 प्रोसेसर है। आप देख ही सकते हैं Realme 3 में भी आपको MediaTek LOP P70 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसका प्राइस लगभग 9000 की रेंज में है Realme 3 का, और इस फ़ोन का प्राइस करीबन 25000 रुपये होने वाला है। इसमें आपको MediaTek LOP P70 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर मेरे हिसाब से थोड़ा हैवी प्रोसेसर होना चाहिए था, पर जो कि ये प्रोसेसर अब 10000 की रेंज के नीचे वाले फ़ोन में भी आने लगा है, प्रोसेसर से थोड़ा मार खा जाता है। बाकी सॉफ्टवेयर इसके बहुत अच्छे हैं,
सब कुछ अच्छा है, बस मीडिया टेक एलओपी P70 प्रोसेसर थोड़ा सा हाई लेवल का होना चाहिए था, ये तो 9000 की रेंज में भी मिल जाते हैं। अब इसके कैमरे की बात करें, सेल्फी कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है विद पॉपअप कैमरा की सपोर्ट के साथ, और बैक कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। कुछ सैंपल लिए हैं जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि पोर्ट्रेट मोड में लिए, नॉट पोर्ट्रेट मोड, सिंपल मोड में भी लिए हैं, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्स देखने को मिल रही हैं 48 मेगापिक्सल के साथ। जैसे कि आप सभी को पता ही होता है, ओप्पो के हर सेल्फी फोन्स या कैमरे फोन्स बहुत ब्रिलियंट क्वालिटी की फ़ोटो पिक्स कलेक्शन करते हैं, जो कि इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ एक पिक, जैसे कि आप देख ही सकते हैं फुल डिटेल में आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि मैंने दूर से लिए थे, आपको फुल डिटेल में देखने को मिल रहा है, वो भी क्लियर तरीके से आपको ये पिक्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि मुझे इसमें बहुत अच्छी बात लगी है ओप्पो की। और साथ ही साथ इसमें आपको बैटरी 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस आईडी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत फास्ट काम कर रहा है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैं क्लिक करता हूँ, फ़ोन को घुमाता हूँ, आप देख ही सकते हैं फ़ोन घूमते ही मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाता है, जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है फिंगरप्रिंट स्कैनर। बस इतना ही था ओप्पो के F11 Pro की स्पेसिफिकेशन के बारे में। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको ओप्पो के F11 Pro में कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगे, कौन सा फीचर सबसे घटिया लगे, ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से इसमें प्रोसेसर मीडिया टेक से थोड़ा सा हाई लेवल का होना चाहिए था, क्योंकि मीडिया टेक 10000 की रेंज के नीचे भी फ़ोन हैं जो जिसमें आ गए हैं, थोड़ा सा हाई लेवल का होना चाहिए इसका, और इसका प्राइस आपको 25000 की रेंज में देखने को मिल जाएगा। बस इतना ही था इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।